सरोकार। लखनऊ सीएम योगी की अधिकारियों के साथ बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में मौजूद। सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, मुख्य सचिव और डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद हुए हैं। सरकार के कई वरिष्ठ मंत्री भी बैठक में मौजूद। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह को लेकर हुई है ये मीटिंग। हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों के संबंध में, जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के अधिकारियों के साथ पर बैठक हुई है, दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद रहे। लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख का ऐलान, 9 सितंबर को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। 10 सितंबर को होगी इसको लेकर मतगणना। वरिष्ठ अधिवक्ता राजू मिश्र बनाए गए अपर मुख्य चुनाव अधिकारी। लखनऊ बार एसोसिएशन चुनाव की तारीख का हुआ ऐलान, 9 सितंबर को होगा बार एसोसिएशन का चुनाव। जी हां, बार एसोसिएशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, 10 सितंबर को होगी मतगणना। लखनऊ केजीएमयू में नर्सिंग के छात्रों ने शुरू किया आंदोलन। हॉस्टल में मूलभूत सुविधाओं के लिए किया जा रहा है ये आंदोलन। पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं छात्र छात्राएं। केजीएमयू प्रशासन से सुविधाओं की कर रहे हैं मांग। जिस वक्त की तस्वीर आपको दिखा दे, लखनऊ के केजीएमयू की सामने आ रही, हॉस्टल में बारिश का पानी भरने से छात्र आक्रोशित हुए, जिसको लेकर यहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे। बता दें, दिल्ली में कोचिंग घटना के बाद केजीएमयू के छात्र सहमे हुए हैं, जिसको लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। केजीएमयू प्रशासन छात्रों को समझाने में जुटा है। बड़ी खबर लखनऊ के केजीएमयू से, बता दें नर्सिंग के छात्रों ने यहां पर आंदोलन शुरू कर दिया है। उनकी मांग है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए हम ये आंदोलन कर रहे हैं, उसको पूरा किया जाए। पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठ गए हैं सभी छात्र छात्राएं। एटा में सांसद ने हाथरस कांड मृतकों के परिजनों को सौंपा चेक। सांसद देवेश शाक्य ने दिया 1 लाख का चेक। अखिलेश यादव ने राहत राशि देने का किया था ऐलान। चेक वितरण के दौरान सपा के कई नेता मौजूद। जिला अध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। जी आपको बता दें, एटा में सांसद ने हाथरस कांड मृतकों के परिजनों को सौंपा चेक। सांसद देवेश शाक्य ने दिया है 1 लाख का चेक। बता दें, अखिलेश यादव ने राहत राशि देने का ऐलान किया था, जिसको लेकर आज ये चेक दिया गया है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे। बता दें, चेक वितरण के दौरान सपा के कई नेता मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष सहित समाजवादी पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो हाथरस का जो कांड हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान गई, उन परिवारों को आर्थिक सहायता देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। और यहाँ चंद्रशेखर जी की माता जी का देहांत हो गया था इस घटना, तो पूरी संवेदना है परिवार के प्रति और उन्हें आर्थिक मदद राशि दी जा रही है, साथ सहायता ये देने के लिए। मैं राजशेखर जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर ऐसी घटनाओं में जो लोग जिनका देहांत हुआ है, उनके परिवार की जीविका चली गई, कई परिवारों की जीविका भी चली गई, तो इससे उन्हें थोड़ी सहूलियत। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, महिला के साथ 20 सड़क पर बस सलूकी की ये घटना सामने आई है, जहां पर वकील ने महिला के साथ अभद्रता की है। दिन दहाड़े महिला की इज्जत तार तार होते ये वीडियो हुआ है वायरल। आपको बता दें, लखनऊ के बाद प्रयागराज
गंज में महिला के साथ बदसलूकी की तस्वीरें सामने आई। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर महिला के साथ में बदसलूकी की घटना सामने आई है। वकील ने महिला के साथ अभद्रता की। दिन दहाड़े महिला की इज्जत तार तार होते यहां पर देखा जा सकता है। आपको बता दें ये तस्वीरें प्रयागराज की है। जहां महिला के साथ 20 सड़क पर बदसलूकी हुई है, प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। वीडियो में देखा जा सकता है किस तरह से महिला और वकील के बीच ये झड़प देखी जा रही। दिन दहाड़े यहां पर महिला की इज्जत तार तार होती दिख रही। जालौन में सरकार की भंड पिटवाने में जुटे अधिकारी ठेकेदार। सड़क धसने से पलट गया ट्रक। हादसे में बाल बाल बचे ट्रक ड्राइवर और क्लीनर। पहले भी सड़क धसने से हो चुके हैं कई हादसे। नगर पालिका प्रशासन ने बनवाई है सड़क। जालौन कोतवाली क्षेत्र के देवनगर चौराहे का पूरा मामला। ग्रामपुर वाला लोग पोस्ट त्रियापुर जिला। अच्छा, ये ट्रक लेकर आप कहां से कहां जा रहे थे? हम कानपुर जालौन लेके आ रहे थे। क्या माल है इसमें? इसमें पेंट पुट्टी। पेंट और पुट्टी। अच्छा, ये ट्रक आपका पलटा है नाले में, कैसे पलटा है, कैसे आ सकता? ये हमने साइड में खड़ा कर दिया जी। साइड में खड़ा करके हम पूछने चले गए, भैया जगह से फला जगह जाना है मुझे, जगह बता दो। हम वापसी पूछ के आए, धीरे धीरे वो धक्का चला गया, पलट गया। ये इंटरलॉकिंग धसने से हुआ है क्या? हाँ।